म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, एंड ये भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज करके आप करोड़पति बन सकते हैं। एंड यही सब सुन के एंड कुछ भी बिना सोचे समझे इमोशनल होके हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स। म्यूचुअल फंड से यू कैन अर्न अप टू करोड़ अगर आप एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करें फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर आप आज SIP स्टार्ट करते हैं फॉर 5,000 rupees पर मंथ एंड आप उसमें 15% पर एनम का एक रिटर्न जनरेट करते हैं तो आफ्टर 25 ईयर्स आपके पास होंगे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपीस। देयर आर सम इन्वेस्टमेंट हैक्स जो आपको जरूर जानने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड जिनका यूज करके आप अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है CA दीपक जोशी एंड आज मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्टर्स जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए एंड वो रातों रात करोड़पति हो जाए। एक टाइम तक ये एक सपना ही हुआ करता था बट इन टूडेज एरा एंड ओपन मार्केट यू कैन बिकम करोड़पति अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आज उनके पास जो भी पैसा बचता है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस उसको इन्वेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली इन अ म्यूचुअल फंड। बट देर आर सम फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। फर्स्टली यू नीड टू डिटरमाइन योर गोल्स लाइक फ्यूचर में आपको कब किस पर्पज के लिए एंड कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज आपको फ्यूचर में फंड्स की रिक्वायरमेंट आफ्टर 20 ईयर्स फॉर किड्स एजुकेशन, आफ्टर 25 ईयर्स फॉर किड्स मैरिज एंड आफ्टर 35 ईयर्स फॉर योर रिटायरमेंट। आफ्टर डिटरमाइनिंग द अबव गोल्स देयर इज अगेन अ कंफ्यूजन कि कहां पे इन्वेस्ट करें एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्स करना चाहिए टू रिड्यूस योर रिस्क एंड टू जनरेट द मैक्सिमम रिटर्न। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहिए जिससे आपका रिस्क इन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो सके। सपोज आपके पास 10,000 rupees स्पेयर है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, तो आपको इस 10,000 rupees को स्प्लिट करना चाहिए स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप में। सपोज आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं 50%, दैट इज 5,000, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं 30%, दैट इज 3,000 एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं 20%, दैट इज 2,000 rupees। एंड ये इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। लार्ज कैप आपको रिटर्न जनरेट करके देता है ऑफ एवरेज 18%, सो आफ्टर 10 ईयर्स लार्ज कैप आपको जनरेट करके देगा अराउंड 17 lakh rupees। मिड कैप आपको जनरेट करके देता है रिटर्न ऑफ 27%, सो आफ्टर 10 ईयर्स मिड कैप आपको जनरेट करके देगा अराउंड 18 lakh rupees। स्मॉल कैप भी आपको 25-30% रिटर्न जनरेट करके देता है, सो इफ वी टेक 28%, तो स्मॉल कैप आफ्टर 10 ईयर्स आपको जनरेट करके देगा अराउंड 13 lakh rupees। तो आफ्टर 10 ईयर्स आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 12 lakh rupees एंड जिसपे आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है 36 lakh rupees। सो आफ्टर 10 ईयर्स आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है 48 lakh rupees एंड दिस रिटर्न इज जस्ट फॉर द 10 ईयर्स। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं फॉर 25 ईयर्स तो लार्ज कैप फंड्स आपको रिटर्न जनरेट करके देंगे फॉर 2.91 crores, मिड कैप आपको जनरेट करके देगा फॉर 10.79 crores एंड स्मॉल कैप आपको जनरेट करके देगा 8.86 crores। सो आफ्टर 25 ईयर्स आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 30 lakh rupees एंड जिसपे आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुई है 22.26 crores। सो आफ्टर 25 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी 22.56 crores एंड अगर आप अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं फॉर अप टू 35 ईयर्स, सो आफ्टर 35 ईयर्स आपको मिलेंगे 315 crore rupees। एंड अमेजिंग, इतना ज्यादा रिटर्न विद अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड अ वेरी लेसर रिस्क जस्ट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 rupees पर मंथ। सो प्लान योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस योर वे। टिल देन, बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।